हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा बताता हूँ कि आज के दिन पे जो मैंने ट्रेड लिया उसका पूरा का पूरा लॉजिक बताता हूँ, साथ में जो अक्टूबर के मंथ में मेरा जो कैपिटल का ग्रोथ आया है ना उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको सबसे पहले मैं दिखाऊँ कि कैपिटल का जो ग्रोथ है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मैंने स्टार्ट करा था इस मंथ में जो कैपिटल स्टार्ट करा था वो 50K से स्टार्ट करा था, ठीक है। तो 50,000 से ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करा था यहाँ पे जाकर के। ये पूरा का पूरा फायर्स का जर्नल है, ठीक है। तो अगर आपको वेरीफाइड पीएनएल चाहिए होगा मैं आपको दे दूंगा आज डे एंड पे, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर इसको एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो। तो यहां पे देखोगे तो इस मंथ में जो परफॉर्मेंस था बहुत सही था। अगर मैं आपको दो दिन दिखाऊं, दो थर्सडे को मेरा यहां पे लॉस हुआ है, दोनों थर्सडे को। इस वाला जो लास्ट अभी रिसेंट 24 तारीख था उस दिन थोड़ा सा ज्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि यहां पे मैंने आपको लाइव वाला वीडियो में बताया था कि एक्चुअली में वहां पे प्रॉब्लम क्या आया था। क्योंकि मैं, अगर आप ऑप्शन बायर होगा तो आपको एकदम इजिली रिलेट कर पाओगे कि साइकोलॉजी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है एज एन ऑप्शन बायर। तो यहां पे सेम हुआ था, आपको 14.9K यहां पे दिख रहा होगा टोटल लॉस, लेकिन ये एक्चुअली में यहां पे जाकर के 16,000 के आसपास मुझे लॉस हुआ था, क्योंकि यहां पे चार्जेस एंड ब्रोकरेज भी लगा था, ठीक है। तो अभी कल के दिन का भाई यहाँ पे प्रॉफिट था, और आज के दिन का अगर हम बात करें तो इसका वेरीफाइड लिंक याद रहे आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना। आज के दिन का अगर मैं आपको बात करूं तो आज के दिन पे जो मैंने पूरा ट्रेड करा आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पे 3,430 रुपए के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ। अब आज के दिन पे आपको ट्रेड बहुत ज्यादा दिखेगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे मैंने बहुत स्कैल्पिंग करा, साथ में थोड़ा सा यहाँ पे ना जो फर्स्ट ट्रेड था वो फर्स्ट ट्रेड अच्छा नहीं गया, उसके वजह से थोड़ा सा ओवर ट्रेड यहाँ पे करना पड़ गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में जो सेटअप था क्या था, सारा कुछ मैं आपको इजिली समझाता हूँ। तो एक बार अगर मैं आपको दिखाऊं सबसे पहले, तो यहां पे देखने को मिलेगा कि एक ट्रेड में बहुत ज्यादा, मतलब 6,000 के आसपास लॉस है। तो आपको एक चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि मान लो अगर आपका किसी भी एक ट्रेड में, अगर आप इनिशियली बहुत छोटे कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो, मान लो 5,000 का लॉस हो गया, ठीक है, तो आप उसको क्या करते हो ना, ओवर ट्रेड जब करते हो तो वहां पे चांसेस आपका क्या रहता है, आप उसको एक ही ट्रेड में प्रॉफिट लेकर के निकलने का कोशिश करते हो। कि मान लो अगला आपने ट्रेड कोई लिया हैवी क्वांटिटी के साथ लिया, वहां पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है 1,000-2,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, आप सोचते हो कि उसी ट्रेड में आपको एक स्पाइक में पूरा का पूरा जाकर के प्रॉफिट जो लॉस है आपका रिकवर हो जाए। एक्चुअली में ये नहीं करना चाहिए। सेम मैंने भी आज करा है, यहाँ पे जो मेरा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस अगेन हिट नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने जो स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल के रखा था वो स्टॉप लॉस से थोड़ा सा ज्यादा नीचे जाके वहां पे मुझे मैनुअली एग्जिट करना पड़ गया। तो अभी मैं इसको एक बार फायर्स पे एक बार इनको दूंगा, यहाँ पे भेजूंगा, मेल करूंगा कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। बट अभी फिलहाल के लिए मैं आपको पूरा का पूरा सेटअप समझाता हूँ कि एक्चुअली में जो सेटअप है आज का क्या था। तो सबसे पहला ट्रेड जो था यहाँ पे, सबसे पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे इस लेवल पे लिया था, ये जो है ना यहाँ पे, अभी आपको एक बार दिखाता हूँ, आपको रेड कैंडल यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा सा हटाके, ठीक है। तो सबसे पहला कैंडल यहाँ पे 200 EMA में जो लाइन है वो 200 EMA है, ठीक है। यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बना 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये फिन निफ्टी के अंदर है, क्योंकि आज मैं फिन निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया था ऊपर जाकर के, सबसे पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट किया, और ये स्पाइक में यहाँ पे जब ये स्पाइक लगा है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ ऑप्शन के चार्ट में, ठीक है। तो वहां पे मुझे, अगर मेरा वहां पे ना 3,000 के आसपास जाकर के रिस्क था, तो वहां पे मुझे जाकर के 4,800 के आसपास देना पड़ा। फिर इसी स्ट्राइक पे से मैंने री एंटर करा, तो री एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन था कि जो प्राइस आएगा ना यहाँ पे 21 EMA तक आएगा, तो जब ये थोड़ा नीचे निकल चुका था इसके नीचे, तो मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड लिया, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, वापस से मुझे इस केस में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। लेकिन इसके बाद जब जाके मैंने दूसरा ट्रेड लिया, तो यहाँ पे अगर मैं कॉल के साइड में दिखाऊं, कॉल के साइड में भी सेम वही हुआ। कॉल के साइड में देखोगे तो मैंने ये जो एक मोमेंटम यहाँ पे बहुत साफ मोमेंटम आया, ठीक है, यहाँ पे मैंने सोचा कि यहाँ पे मार्केट जो साफ मोमेंटम आया, और अगर आपको पता होगा ऑप्शन बाइंग करते हो तो आपको पता होगा कि अगर पुट के साइड में इतना तेज, अगर स्पाइक से जो पुट है, पुट का प्राइस बढ़ रहा है, तो आपको पता होगा कि जो अगला कैंडल बनेगा ना वो उसको पूरा का पूरा मतलब नीचे चला जाएगा वापस। तो यहाँ पे LHS = RHS हो जाएगा। सेम यहाँ पे इसी साइकोलॉजी के साथ मैंने ट्रेड लिया, पहला ट्रेड मैंने इसी कंडीशन में यहाँ पे इस केस के आसपास लिया था, ये वाला जो यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे, और जो कॉल के साइड में जो ऑप्शन का प्रीमियम था वो बहुत ज्यादा डिके हो गया, वहां पे मेरा एक स्टॉप लॉस गया। उसके बाद मैंने री एंटर करा, और री एंटर में कुछ जाकर के जो लॉस था उसको रिकवर करा। यहाँ पे 21 EMA तक मुझे यहाँ पे जाकर के मेरा टारगेट था, लेकिन यहाँ पे उससे थोड़ा सा ऊपर जाकर के मुझे मिल गया, तो मैंने इसको बेच दिया। उसके बाद अगर मैं तीसरा ट्रेड बताऊं जो कि बहुत अच्छा ट्रेड था, जो कि रिसेंटली मैंने लिया यहाँ पे, तो तीसरा ट्रेड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मुझे री एंटर करना पड़ा। यहाँ पे सेम देखोगे तो ये जो कैंडल है ना, यहाँ पे 21 EMA ब्लू लाइन आपको दिख रहा होगा 200 EMA, इसके ऊपर से यहाँ पे एक एम काइंड ऑफ पैटर्न बना करके फॉल कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट करा इस लेवल के नीचे, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था, लेकिन जब ये कैंडल एक स्पाइक ऊपर के साइड में लगाया, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे चला गया। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि इस जो पूरा पूरा स्ट्रेटजी इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ यहाँ पे, क्योंकि हो क्या रहा ना कि यहाँ पे देखो कैंडल क्लोज नहीं आया, तो क्लोजिंग का लेकिन अगर मैं वेट करूँ तो बहुत बड़ा बड़ा स्पाइक आता है, ठीक है। तो आज एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे एक मेरा स्टॉप लॉस अगेन गया, लेकिन वापस से मैंने यहाँ पे री एंटर करा। जब प्राइस को मुझे यहाँ से रिजेक्ट करते हुए दिखा, तो मैंने वापस यहाँ पे एक री एंटर करा। इस टाइम पे मैं थोड़ा सा होल्ड कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि वापस से यहाँ पे 21 EMA के ऊपर जब तक निकल नहीं जाता यहाँ पे प्राइस ना, प्राइस रिजेक्ट करके नीचे आएगा। तो अगेन मुझे यहाँ पे इस वाले केस में अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। साथ में अगर आपको दिखाऊं तो ये दो मैंने फिर निफ्टी का मैंने
3-4 ट्रेड जो लिया था इसमें बता दिया। एक बैंक निफ्टी में भी मैंने ट्रेड लिया था जहां पे मुझे लॉस हुआ है, तो एक्चुअली मैं बैंक निफ्टी का ये देखो, बैंक निफ्टी में भी मैंने पुट के साइड में ट्रेड लिया था। अब पुट के साइड में कहां पे ट्रेड लिया था मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको इंडेक्स का यहां पे दिखाता हूं, बैंक निफ्टी यहां पे। सो आज के दिन पे बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा, ये जो सेटअप था ना बहुत प्यारा सेटअप था एक्चुअली में, ये सेटअप बहुत अच्छा मार्केट में काम करता है। आपको देखने को मिलेगा कि पहले भी मैंने इस पे बहुत प्रॉफिट करा है। आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और उसके बाद चौथा जब मार्केट आया तो मार्केट ना इसको एक शार्प ब्रेकआउट किया। आपको पता होगा कि ब्रेकआउट कभी भी सस्टेन नहीं होता अगर शार्प इतना ज्यादा मार्केट में आ रहा है। तो मैंने थोड़ा सा वेट करने के, मुझे थोड़ा लोअर प्राइस पे जाकर के लिया, मतलब मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए था बट थोड़ा सा नीचे प्राइस फॉल करने के बाद यहाँ पे लिया। मेरा जो स्टॉप लॉस था वो फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर ही था, लेकिन एक स्पाइक ये बहुत अच्छा स्पाइक लगा और चांसेस था कि ये मतलब बैंक निफ्टी यहाँ से निकल भी सकता था ऊपर के साइड में। तो यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस गया, मैंने वापस एक इसमें रीइंटर भी करा था। सो गाइस इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और रीइंटर भी करा था, जब प्राइस यहाँ से ना मेरा स्टॉप लॉस नहीं, प्राइस वापस यहाँ पे नीचे आया तो मैंने यहाँ पे एक रीइंट्री भी किया था। रीइंट्री के बाद अगर आप देखोगे तो रीइंट्री करने के बाद वापस से प्राइस ऊपर गया और इस कैंडल के हाई के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था, उसको हिट किया और फिर प्राइस यहाँ से फॉल किया। तो थोड़ा सा बैड लक था आज बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि सेटअप बहुत अच्छा था और उसके बाद देखोगे तो मार्केट फॉल भी किया है। यहां से अगर मुझे यहां तक भी फ्लो में पैसा मिल जाता है ना, ये बहुत अच्छा होता है स्कैल्पिंग के, मतलब स्कैल्पिंग के पर्सपेक्टिव से। इवन उसके बाद भी यहां पे देखोगे तो एम पैटर्न बना करके प्राइस यहां से फॉल किया था, ठीक है। तो यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर मैंने लॉस बुक करा और मैंने ओवरट्रेड वापस जाकर के बैंक निफ्टी के अंदर नहीं करा, क्योंकि कहीं ना कहीं पता था कि अगर मैं ओवरटेक इसमें मतलब और भी ज्यादा ओवरट्रेड जाकर के करता हूं तो और भी ज्यादा मेरा रिस्क बढ़ जाएगा। 150 क्वांटिटी के साथ मैंने दो बार ट्रेड लिया था यहां पे। तो होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया, सेटअप समझ में आ गया। सो गाइस आई होप आपको पूरा का पूरा सेटअप समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखोगे तो यहां पे ना ये जो सेटअप है बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसका लाइव रिजल्ट आपके सामने है, वेरीफाइड पीएनएल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक दिन यहां पे अगर मैंने ट्रेड नहीं लिया होता तो एक्चुअली में मुझे यहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता, बट चलो ठीक है कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि अगर आप मार्केट में ट्रेड करने आओ तो ये सारा कुछ होगा, गलतियां आपसे होगा, उसके बाद ही आप जाकर के सीखोगे। तो चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।